एडमिशन के नाम पर घूस लेने का एक मामला सामने आया है। मामला देवभोग आईटीआई का बताया जाता है। संस्था के 8 छात्रों ने प्रिंसिपल पर घूस लेकर एडमिशन देने का आरोप लगाया है। छात्रों के मुताबिक उनसे 5 से 8.5 हजार रुपए तक लिए गए हैं, एडमिशन फिर दिया गया। हालांकि प्रिंसिपल अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। छात्रों ने देवभोग एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। 70% है और साथ मेरा फ्री सीट में नाम आ गया था, लेकिन जब मैं एडमिशन के लिए वहाँ पहुँचा तो प्रिंसिपल के द्वारा मेरे को पूछा गया कि आपको 1150 रुपये देना है, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। तो सर मैं उस टाइम उतना ही पकड़ के ही गया था। तो नहीं होगा, 8.5 हजार रुपया लोगे तभी होगा। मैंने कौन 8.5 हजार होगा, प्रिंसिपल के साथ ठीक रहता है लड़का, वो बोला 8.5 हजार को महीन यादव उसका ना, और वो बोला 8.5 हजार रुपया। तो बोला प्रिंसिपल सीधा आपको बोले थे, कौन बोला था? नहीं प्रिंसिपल के साथ तो भाई बोले ना, जिसके साथ महीन यादव। क्या बोला था महीन यादव? 5 हजार रुपया लाओ, बाद में एडमिशन दीजिए। क्या पद में था? दीदे थे बेमेथुआ जिले के एक पेट्रोल पंप को लूटने